भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक कामयाब साइंसदान, मुफक्किर, मुसन्निफ और आला पाए के दानिश्वर। उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में नए नए इजादात के जरिए हिंदुस्तानी दिफाई निज़ाम को इतना मजबूत और मुस्तहकम किया जो तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। यही नहीं, उनकी काविशों और मेहनतों का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान न्यूक्लियाई ताकत बन सका। उन्होंने पूरी जिंदगी मुल्क व कौम की खिदमत में सर्व कर दी। See, I have a feeling whenever I do something, I feel happy. इंसान दोस्ती और हुब्बुल वतनी उनकी शख्सियत का लाजमी जुज था। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि वो हकीकी मानों में भारत के अनमोल रत्न थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अबुल फाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनके वालिद का नाम जैनुल आबिदीन मराकायर और वालिदा का नाम आयशम्मा था। उनके नाम में अब्दुल कलाम उनके वालिद ने मशहूर मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुतासिर होकर रखा था। डॉक्टर कलाम के वालिद कश्तीरानी के पेशे से वाबस्ता थे। उनका खानदान मजहबी तर्ज की जिंदगी बसर करता था। मेहनत, ईमानदारी और खुदा तरसी उनकी फितरत में शामिल थी। लगन और धुन के पक्के थे। वक्त जाया करना उनको बिल्कुल पसंद न था। Any task you do, you have to come across problem, defeat the problem and succeed. चुनाचे बचपन में अपने चचाजाद भाई शमसुद्दीन के कारोबार में हाथ बटाने और अखबारों को जमा करके लोगों के घरों तक पहुँचाने का काम करते थे। डॉक्टर कलाम की इब्तदाई तालीम रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई श्वर्ट्स हाई स्कूल रामंतापुरम में हुई। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से फिजिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इब्तदाई दिनों में डॉक्टर कलाम परिंदों की उड़ान को बहुत ध्यान से देखा करते और उन्हीं परिंदों की परवाजों से मुतासिर होकर उन्होंने पायलट बनने का ख्वाब देखा और इसीलिए उन्होंने 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। डॉक्टर कलाम ने सबसे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर जो वजारत दिफा के तहत आता था उसमें बतौर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट अपनी खिदमत
देनी शुरू की। इसके बाद 1958 में डॉक्टर कलाम डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो गए। यहां उनकी क़यादत में नंदी नामक एक देसी होवरक्राफ्ट का नमूना तैयार किया गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर में बतौर रॉकेट इंजीनियर मुंतखब कर लिए गए। इस इदारे को बाद में इसरो के नाम से मौसूम किया गया। इनकॉस्पर का क्याम डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामानाथन की जेर निगरानी 1962 में हुकूमत हिंद ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम के तहत किया था। इनकॉस्पर ने केरला के थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन कायम किया। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में डॉक्टर कलाम ने काफ़ी अहम रोल अदा किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम को 6 महीने की साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक की ट्रेनिंग के लिए नासा भेज दिया गया। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने नासा के कई सेंटर्स का दौरा किया और आखिर में वैल्यूब्स फ्लाइट फैसिलिटी का मुआयना किया। यहाँ उनकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। मजीद तफ्तीश करने पर पता चला कि पेंटिंग में जो मंजरकशी की गई है वो बरतानवी फौज और टीपू सुल्तान की फौज के दरमियान एक जंग की है। उस जंग में टीपू सुल्तान की फौज को रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। ये देखकर डॉक्टर कलाम बेहद खुश हुए और इस वाक़े का तज़किरा वो अपनी सवान हयात विंग्स ऑफ फायर में कुछ इस तरह करते हैं। The painting depicted a fact forgotten in Tipu's own country, but commemorated here on the other side of the planet. I was happy to see an Indian glorified by NASA as a hero of warfare rocketry. NASA से वापस आने के बाद डॉक्टर कलाम को एक अहम प्रोजेक्ट राटो यानी रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ प्रोग्राम की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रोजेक्ट ने हिंदुस्तानी फिजाई फौज को एक नई ताकत देने का काम किया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 डॉक्टर कलाम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसका लॉन्च पहली बार नाकाम रहा मगर डॉक्टर कलाम ने हिम्मत नहीं हारी और यकसोई के साथ लगे रहे और बिलाखिर 18 जुलाई 1980 में कामयाबी मिली। और हिंदुस्तान के इस पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का लॉन्च श्रीहरिकोटा से पूरी कामयाबी के साथ हुआ, जो रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को जमीन से मदार तक ले जाने में कामयाब हुआ। इसके साथ ही हिंदुस्तान सैटेलाइट लॉन्च करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। इस कामयाबी के साथ डॉक्टर कलाम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। अखबारात, टीवी चैनल्स, हर जगह इस कामयाबी का चर्चा होने लगा। खुद वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस जहीन साइंसदान का सफर और परवान चढ़ा और वो जून 1982 में इसरो से DRDO आ गए और हैदराबाद में वाक़े डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL के डायरेक्टर मुकर्रर किए गए। यहाँ उनको DRDO के कई वक्त से रुके हुए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक रफ्तार देनी थी। इसके लिए उन्हें इस प्रोग्राम का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। यहाँ पर उन्होंने वो मिसाली कारनामे अंजाम दिए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी ही क़यादत में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के कामयाब तजुर्बे किए गए। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हिंदुस्तान की दिफाई ताकत को और मुस्तहकम किया और हिंदुस्तान को दिफाई सलाहियत में तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर ला खड़ा किया। इस कामयाबी के बाद डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। जो डॉक्टर कलाम की ही दूरंदेशी थी कि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में नई और मॉडर्न रिसर्च के लिए रिसर्च सेंटर इमारत बनाने का ख्वाब देखा और इसके क़याम को अमली जमा पहनाने में कामयाब हुए। डॉक्टर कलाम न सिर्फ ये कि नई नई इजादात करते रहे बल्कि अपने तजुर्बात और दूरंदेशी से मुल्क व कौम की रहनुमाई भी करते रहे। डॉक्टर कलाम 1992 से 1999 तक वजारत दिफा के साइंटिफिक एडवाइज़र रहे और 1999 से 2001 तक हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे। फिर हिंदुस्तान की तारीख में वो दिन भी आया जब 11 मई 1998 में
डॉक्टर कलाम की ही सरपरस्ती में हिंदुस्तान ने पोखरण 2 न्यूक्लियाई तजुर्बा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया और अपनी ताकत का एहसास कराया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक सदर जमहूरिया हिंद के जलील कद्र ओहदे पर फाइज रहे। डॉक्टर कलाम को इस बात का यकीन था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की सारी खूबियाँ मौजूद हैं। इसके लिए उन्होंने विजन 2020 के नाम से एक दस्तावेज भी पेश किया जिसमें तफसीली लाहे अमल बताया गया था। डॉक्टर कलाम हमाजहद शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर स्टंट कोरोनरी पर भी काम किया और बहुत ही कम कीमत पर इस स्टंट को आम लोगों के लिए मुहैया करवाया। दरसो तदरीस उनका पसंदीदा मशगला था और साइंस और टेक्नोलॉजी पर तलबा को किताब करने के अलावा पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम फैलाते रहे। डॉक्टर कलाम ने कई किताबें भी लिखीं जिनमें विंग्स ऑफ फायर जो उनकी सवाने उम्री है सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। उसका तर्जुमा कई दूसरी जबानों में भी किया गया। डॉक्टर कलाम को उनकी गिरांकदर खिदमात और नुमाया कारनामों के लिए कई एजाजात से सरफराज किया गया जिनमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न 1997 में दिया गया। उनको द रॉयल सोसाइटी यूके की जानिब से द किंग चार्ल्स 2 मेडल से भी नवाजा गया और द रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग लंदन की तरफ से इंटरनेशनल मेडल 2008 से भी नवाजा गया। वहीं डॉक्टर कलाम 2008 के हूवर मेडल पाने वाले पहले एशियाई बने। उन्हें इंटरनेशनल वोन हरमान विंग्स अवार्ड भी दिया गया। डॉक्टर कलाम को कौमी और बैनुल अक्वामी यूनिवर्सिटियों और इंस्टीट्यूट्स की तरफ से 40 से ज़ायद डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियों से भी नवाजा गया। डॉक्टर कलाम एक मिसाली शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने हिंदुस्तानी नौजवानों को बेहद मुतासिर किया। इनकी सारी खुश अखलाकी, खुश मिजाजी और सादगी उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। यही वजह है कि उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। हिंदुस्तान में जितनी शोहरत व मकबूलियत डॉक्टर एपीजे कलाम को मिली शायद ही किसी और साइंसदान को नसीब हुई हो। बिलाखिर 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में तालिबे इल्मों को खिताब करते करते भारत का ये अनमोल रत्न इस दारे फानी को अलविदा कह गया। उनकी कही हुई बातें पूरी दुनिया के लिए मशाल राह हैं।